मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद आते बंद हुए तो ठेकेदारों ने आहतों के सामने पर्दे लगाकर अंदर ही महफिल सजा दी। खुलेआम आबकारी के नाक के नीचे चल रहा है यह गोरख धंधा। सरकार ने 1 अप्रैल से सभी आते बंद कर दिए हैं, जिसके चलते शराब ठेकेदारों की आय में कमी होने लगी थी। इसे देखते हुए ठेकेदारों ने पीने के शौकीनों के लिए नई व्यवस्था कर दी है। सड़कों के किनारे दुकान के पास ग्रीन मैट का पर्दा लगा दिया गया है। इसके अंदर शौकीन बड़े आराम से खड़े होकर बैठ कर शराब पी रहे हैं। जिले में हाईवे और स्कूलों के पास भी शराब दुकानें संचालित हैं, जिससे विद्यार्थियों पर गलत असर पड़ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष रिंकू टाग ने कार्यवाही की मांग कर चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। जो शराब की दुकानें हैं, जैसे अभी आप देखिए केंद्रीय विद्यालय हॉस्पिटल, उसके सामने शराब की दुकान, नेहरू मॉन्टेसरी के सामने शराब की दुकान, भारतीय स्कूल के सामने शराब की दुकान, 6 नंबर वार्ड में मस्जिद के बिल्कुल बाजू में शराब की दुकान, मतलब शहर में गली गलियों में जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही है और खुलेआम शराब बिक रही है। इन सब चीज़ों को भी हमने यहाँ से तत्काल प्रभाव से इन दुकानों को हटाने के लिए भी कलेक्टर मैडम से निवेदन करा है। ये सब चीज़ों को देख के और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, सब तरफ इल्लीगल तरीके से शराब की बिक्री करी जा रही है। तो जब बल्क सेलिंग भी रिटेल वाला नहीं कर सकता, MSP से नीचे भी सेल नहीं कर सकता, तो ये दुकान वाला क्यों कर रहा है? इसकी लगातार शिकायतें आबकारी विभाग में दी जा रही है। क्या वजह है कि आबकारी विभाग एक शराब माफिया से इतना डरा हुआ है? अगर यहाँ आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोगों का फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, दिल्ली के अंदर जैसा शराब घोटाला हुआ और पूरे देश के अंदर सबने देखा, तो मुझे लगता है कि बुरहानपुर जिले का भी ये बहुत बड़ा शराब घोटाला है, जिसपे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, अन्यथा आने वाले इलेक्शन में सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे शासन के द्वारा जो निर्देश भी दिए गए कि आते बंद कर दिए जाए, तत्काल आते बंद भी करा दिए गए, और अगर कोई बाहर रह के शराब वगैरह पी रहा है तो आज भी मैंने जैसे एक अभियान के तौर पे सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं कि लगातार अभियान के तौर पे जो है वो कार्यवाही की जाएगी, और जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाए। दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।